कंज्यूमर क्या होता है कि एजुकेशन इज अ सर्विस विच फॉल्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और इसके बगैर एक कंज्यूमर और सेलर की रिलेशनशिप नहीं होती है। इसको कंज्यूम करने की वजह से आपकी जान और माल का नुकसान होता है। लेवल पोर्शन में एक गॉज रह गया। एक कंज्यूमर के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल? एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। माई नेम इज हमजा सिराज एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लीगल रेजिम सीरीज। So, let's begin with today's topic. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप अवगत हैं इस बारे में, या फिर कह सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, कि अगर किसी भी शख्स या फिर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या फिर कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप कोई भी टाइप की सर्विस खरीदते हैं या फिर अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस प्रोडक्ट में कोई भी खराबी निकल आए जिसकी वजह से आपको नुकसान हो, और नुकसान होने के बाद अगर आप कंप्लेंट करें उस वेबसाइट से या फिर उस शख्स से और वो लेने से वापस मना कर दे या फिर आपको आपके डैमेजेस का कंपनसेशन ना प्रोवाइड करे, तो फिर आपके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 या फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आपके पास क्या क्या राइट्स हैं और आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और जो लोग खराब या फिर गलत सामान या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण केसेस के बारे में भी बात करेंगे जो कि हम सबके रोजमर्रा जिंदगी के दौरान बीतती है, और वो शायद हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को पहले से ही एक्सपीरियंस करा हो बट प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से उस पर कोई हम लोग एक्शन ना ले पाए हों। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर को सेक्शन 7 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डिफाइन करा गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी शख्स जो कि किसी भी प्रकार की गुड्स या फिर सर्विसेज को परचेज करता है किसी सेलर से और उसमें एक कंसिडरेशन प्राइस देता है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कंज्यूमर होने के लिए कंसिडरेशन प्राइस या फिर एक अमाउंट का होना जरूरी है, और इसके बगैर एक कंज्यूमर और सेलर की रिलेशनशिप नहीं होती है। तो कोई भी प्रकार की सर्विस को अवेल करना या फिर गुड्स परचेज करना एक कंसिडरेशन अमाउंट के तहत या फिर पार्टली पे करा गया हो कंसिडरेशन अमाउंट या फिर आगे आने वाले वक्त में दिए जाने के लिए प्रॉमिस करा गया हो, तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रकार की हानि या फिर प्रॉब्लम पहुंचती है जिसकी वजह से आप काफ़ी डैमेज सफ़र करते हैं या फिर किसी भी गुड्स को या फिर सर्विसेज को कंज्यूम करने की वजह से आपकी जान और माल का नुकसान होता है, तो उसके लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं आपकी लायबिलिटी के अमाउंट के अकॉर्डिंग। मगर इसमें भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा होता है जिसको कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा जाता। जैसे कि अगर कोई भी शख्स जो कि किसी भी वेबसाइट या फिर कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन ही क्यों ना हो, तो उससे अगर कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज अवेल करता है उसको रीसेलिंग के पर्पस से, तो फिर उसको कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा जाता। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसमें ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर कोई भी शख्स जिसने एक रियल एस्टेट कंपनी से एक फ्लैट परचेज करा और उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ना रखते हुए उसको फिर से रीसेलिंग के पर्पस के लिए रखा, तो फिर उस शख्स को कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। इसके बाद आइए अब हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक कंज्यूमर के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। कि अगर किसी भी कंज्यूमर ने कंप्लेंट रजिस्टर करी तो उसके पास ये इंपॉर्टेंट रेमेडीज अवेलेबल होते हैं, जैसे कि उसके प्रोडक्ट में से डिफेक्ट हटाया जाएगा या फिर उसके प्रोडक्ट को विड्रॉ करवा करके उसका जो प्राइस है वो रिफंड करा जाएगा, और इसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंटली अगर उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन या फिर यूजेज के वजह से किसी भी कंज्यूमर को कोई भी प्रकार की हानि या फिर इंजरी पहुंचती है तो उसके लिए कंपनसेशन भी अवॉर्ड करा जाएगा।
हाल ही में ही दो काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कंज्यूमर सेक्टर के अंदर, जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं, लखनऊ शहर का एक केस है जिसका नाम मनु सोलंकी एंड अदर्स वर्सेस विनायका मिशन यूनिवर्सिटी का। इस केस के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एग्जामिन करने के लिए तैयार हो गया है कि एजुकेशन इज अ सर्विस विच फॉल्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका मतलब ये है कि क्या एजुकेशन सर्विसेज जो कि हम लोगों को प्रोवाइड करी जाती हैं, तो क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्बिट में एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉल करेगी या फिर नहीं करेगी। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि स्कूल में जो समर कैंप्स लगते हैं उनके लिए बच्चों को एनरोल कराया जाता है, और वैसे ही स्विमिंग की को करिकुलर एक्टिविटी के लिए हर बच्चे से हजार हजार रुपए लिए जाते हैं। तो इस समर कैंप की स्विमिंग को करिकुलर एक्टिविटी के दौरान सुबह 9 बजे एक बच्चे की फैमिली को कॉल करा जाता है और उनको अर्जेंटली बुलाया जाता है, और जैसे ही बच्चे के पिता स्कूल पहुंचते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि स्विमिंग के दौरान उनका बेटा डूब गया और जिसकी वजह से उसकी हालत काफी नाजुक हो गई, तो उसको हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। इसके चलते हुए बच्चे के पिता ने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट करी स्कूल के अगेंस्ट कि स्कूल के थ्रू जो को करिकुलर एक्टिविटीज जो प्रोवाइड करी जा रही थी तो वो भी एक सर्विस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, और उसी की वजह से उनके बच्चे की डेथ हुई, तो उसके लिए उन्होंने कॉम्पनसेशन की डिमांड करी। मगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इस केस को डिसमिस करते हुए ये बताया कि एजुकेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक सर्विस की तरह डिफाइन नहीं करा जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी कंप्लेंट मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसके चलते वे इस अपील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एग्जामिन करने के लिए अग्री करा कि एजुकेशन एक सर्विस है या फिर नहीं है। और जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से है 8 नवंबर 2021 की, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में मेडिकल एक्शन लीगल ग्रुप ने एक पीआईएल दाखिल करी, जिसमें मेडिको एक्शन लीगल ग्रुप ने अपनी पीआईएल में ये मेंशन करा कि हेल्थ केयर सर्विसेज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत गवर्न नहीं करी जा सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पीआईएल को डिसमिस करते हुए ये बोला कि महज सिर्फ पार्लियामेंट में इस बात का डिस्कशन ना होने का ये मतलब नहीं हो सकता कि मेडिकल सर्विसेज को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में इंक्लूड नहीं करा जा सकता है। तो ये काफी एक महत्वपूर्ण बात है हम लोगों के जानने के लिए कि अगर आपको कोई भी प्रकार की मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है जिसमें आप एक कंसिडरेशन अमाउंट जो कि हम लोग मेडिकल फीस भी कह सकते हैं, और उसमें अगर बाद में आपको कोई भी परेशानी आती है कि अगर कोई भी प्रकार की डेफिशिएंसी रही हो आपको सर्विस प्रोवाइड कराने में, तो फिर आप डेफिनेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं किसी भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर के तहत, चाहे वो डॉक्टर हो या फिर एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। और किसी भी कंज्यूमर कमीशन में डायरेक्टली एक कंज्यूमर भी कंप्लेंट कर सकता है, या फिर कोई भी एक वॉलंटरी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है वो भी उस कंज्यूमर की कंप्लेंट को फाइल कर सकती है। मगर हर कमीशन का भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी सर्विस से परेशान हुआ हो या फिर उसको कोई भी प्रकार की इंजरी हुई हो तो उसके पास एक टाइम बाउंड पीरियड होता है जिसमें उसको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है। जैसे कि एक काफी फेमस केस है, जैसे एक शख्स ने अपना एक लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कराया और लिवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के वक्त नर्स के पेशेंट के लिवर पोर्शन में एक गौज रह गया जिसको वो निकालना भूल गई। मगर जब काफी वक्त बाद पेशेंट ने कंप्लेंट करी और कंपनसेशन सीख करा, तो कंज्यूमर कमीशन ने उसकी इस कंप्लेंट को डिसमिस करते हुए ये बताया कि अगर आप 9 साल बाद कंप्लेंट करने आ रहे हैं जिसके बीच में आपको दर्द भी अकर हुआ और आपने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया मगर तब भी आपने अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं करी, और अब आप 9 साल बाद जो कि काफी लंबा वक्त होता है, तो फिर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपकी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। मैं आपको ऐसी कुछ और सिचुएशन से भी अवगत कराना चाहता हूं जो आपकी डेली लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस जरूर होते हैं, जैसे कि आप उन सिचुएशंस में क्या करेंगे कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट में आपको ओवरचार्ज करा गया हो, या फिर अगर किसी भी गुड्स के स्टोर पर जहां पे आपने कोई भी प्रकार का गुड परचेज करा हो और वो गुड आपको गलत डिलीवर करा गया हो,
और दुकानदार उसको रिफंड करने से मना करे। सबसे पहले मैं आपको रेस्टोरेंट के ओवरचार्जिंग के केस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक काफी फेमस ओरिएंटल रेस्टोरेंट की चेन है जिसको हम लोग मेनलैंड चाइना के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि जब एक शख्स ओरिएंटल रेस्टोरेंट के एक ब्रांच में विजिट करता है और बुफे के लिए ऑर्डर करता है, तो उसके बाद जब वो शख्स अपना बिल पे करने जा रहा होता है तो उसका बिल 589 रुपीस का आया है। तो जिसको देखते हुए वो शख्स रेस्टोरेंट मैनेजर से कंफर्म करता है कि उसको जो प्राइसेस टैक्सेस मिलाकर के बताए गए थे वो सिर्फ 475 रुपीस थे। तो जिसकी तरफ से उसको रेस्टोरेंट की तरफ से जवाब मिलता है कि सर्विस चार्जेस मिलाकर के ये प्राइसेस है और आपको पे करना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करता है और फोरम ये जजमेंट पास करता है कि किसी भी प्रकार का मिस गाइडेंस या फिर कोई भी प्रकार का रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट एक फाइन के लिए भी लीड कर सकता है और जिसके लिए ओरिएंटल रेस्टोरेंट की चेन को 17,000 रुपए का फाइन देना पड़ा। तो इसमें मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में होती रहती है कि किसी भी रेस्टोरेंट में ये आपकी मर्जी है कि उस रेस्टोरेंट में आप अगर सर्विस चार्जेस देना चाहें तो आप दे सकते हैं या फिर उनको अगर आप हटवाना चाहें तो हटवा सकते हैं और ये आपका एक राइट है। इसके अलावा एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ दिल्ली शहर में जिसमें कंज्यूमर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाता है और एक 25 लीटर की वॉशिंग मशीन परचेज करता है, मगर जब वो वॉशिंग मशीन उसके घर पे डिलीवर करी जाती है तो उसको कुछ वक्त बाद इस बात का अंदेशा होता है कि ये वॉशिंग मशीन सिर्फ और सिर्फ 23 लीटर की है। तो जिसको लेकर के कंज्यूमर उस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाता है और अपनी परेशानी के बारे में बताता है, मगर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम उस प्रोडक्ट को वापस लेने से मना कर देती है ये कहते हुए कि आपने यही प्रोडक्ट पसंद किया था और उसके बाद जब आपको इंस्पेक्शन कराया गया था तब भी यही प्रोडक्ट था, मगर इसमें कंज्यूमर के पास रिसीविंग के दौरान 25 लीटर वाली ही वॉशिंग मशीन मेंशन थी। तो इसके चलते हुए वो शख्स कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करता है और कंज्यूमर फोरम ये जजमेंट पास करता है कि मैं सिर्फ डिलीवरी से पहले इंस्पेक्शन की वजह से आप उसको सही गुड प्रोवाइड करने से मना नहीं कर सकते और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को ये डायरेक्ट करता है कि इस प्रोडक्ट को रिटर्न करके दूसरा प्रोडक्ट दे और कंज्यूमर की लिटिगेशन की कॉस्ट को भी कंपनसेट करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से कुछ महत्वपूर्ण बातों को अवगत कराना चाहता हूं कि कोई भी कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक लिमिटेशन पीरियड होता है जो कि 2 साल का होता है। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी अवगत कराना चाहता हूं कि कोई भी अगर हेल्थ केयर सर्विस के अगेंस्ट कंप्लेंट करी जाए किसी भी कमीशन में तो उसमें हेल्थ केयर सर्विस के दौरान कोई भी इंजरी होती है बट उसमें कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं होती है तो उसके लिए हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई भी डॉक्टर्स लायबल नहीं होते हैं, क्योंकि आखिर में डॉक्टर्स आर ह्यूमंस ओनली एंड दे कैन आल्सो मेक एन एरर एज वेल। तो आइए अब हम लोग तीनों डिफरेंट कंज्यूमर कमीशंस और उनके ज्यूरिसडिक्शंस के बारे में जानते हैं कि अगर किसी भी कंज्यूमर को कंप्लेंट करना हो तो वो किस पर्टिकुलर कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट करेगा। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई भी कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, मगर उसकी कंप्लेंट में मेंशन अमाउंट 1 करोड़ हो और उससे ज्यादा ना हो। और इसके बाद आता है स्टेट कमीशन जिसकी लिमिट 1 करोड़ से ऊपर होती है मगर 10 करोड़ से कम होती है। और इसके बाद नेशनल कमीशन आता है। नेशनल कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन में जिस भी केस की लिमिट एक्सीड करे तो उसकी अपील नेशनल कमीशन में लाई करेगी। और अगर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अपील के अगेंस्ट 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में कंप्लेंट कर सकता है, और वैसे ही कोई भी अग्रीव्ड पार्टी स्टेट कमीशन के जजमेंट के अगेंस्ट नेशनल कमीशन में कंप्लेंट कर सकती है। और इसके बाद भी अगर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी जो कि नेशनल कमीशन के डिसीजन से सहमत ना हो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना केस दर्ज कर सकती है। तो इन सब बातों से हम लोगों को काफी कुछ मालूम चलता है कि एक कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं और वो अपनी कंप्लेंट्स कहाँ कहाँ फाइल कर सकता है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से ये भी जाना कि कंज्यूमर कौन होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड नहीं करा जाता है। और आपको अगर कोई भी सेलर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करे और उससे आपको डैमेज हुआ हो या फिर अगर किसी भी प्रकार की इंजरी हुई हो तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं।
और इसके अलावा भी अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कोई भी प्रकार की सहायता चाहिए हो, या फिर अगर आपके जो भी सवाल हो, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हो या फिर किसी भी प्रकार का अन्य सवाल जो कि फील्ड ऑफ लॉ से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लीगल रेजिम सीरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू।